उदाहरण एक, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे? हल। रीमा कह रही है माना मेरे अंक बराबर x है। रीमा के अंक x है हम मानते हैं, तो रीमा कहती है सलमा को तुम्हारे अंक x धन 2 होंगे। चूंकि दोनों अंकों का योग 14 है, क्योंकि दोनों के अंकों का योग 14 है, इसीलिए रीमा के अंक है x और सलमा के अंक है x धन 2 बराबर प्रश्न अनुसार 14 बराबर x धन x का योग 2x धन 2 बराबर 14 या 2x बराबर 14 धन 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 या 2x बराबर 12 या x बराबर 12/2 या x बराबर 2 × 2, 2 × 12 तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ हमें। तो अब रीमा यह कहती है कि यानी मेरे यहां पे रीमा है, मेरे अंक 6 है और तुम्हारे अंक यहां पे सलमा के जो है वो 8 होंगे। तो इस तरह से रीमा कहती है कि मेरे अंक 6 है और तुम्हारे अंक 8 है, यहां तुम्हारे जो है वो सलमा के हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये हल होगा।